करते हैं। धर्म से क्या तात्पर्य है, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। धर्म, दुर्गेन ने धर्म को एक सामाजिक तथ्य माना है। उन्होंने अपने धर्म संबंधी विचार अपनी पुस्तक धार्मिक जीवन के प्रारंभिक रूप में व्यक्त किया है। दुर्गेन की बुक का क्या नाम था? धार्मिक बुक के प्रारंभिक रूप, ठीक है। दुर्गेन के अनुसार धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और व्यवहारों की संगठित व्यवस्था, ठीक है। पवित्र वस्तु से संबंधित विश्वास और उसका व्यवहार की संगठित व्यवस्था, मतलब उन सबको मिलाकर वही व्यवस्था है धर्म, तथा वह विश्वास और क्रियाएं उन लोगों को एक नैतिक समुदाय में बांधती हैं जो उनमें विश्वास करते हैं। जैसे आप हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म, कोई या इस जैन ईसाई जो भी आप धर्म मानते हैं, अगर आप उस धर्म को मानते हैं तो उन सब के जितने भी व्यक्ति उस धर्म को मानेंगे उसमें आपके नैतिक संबंध रहेगा, आप एक दूसरे को उसी धर्म से पहचानोगे, है ना। तो मतलब एक विश्वास भी होता है उस धर्म में और सबके एक नैतिक समुदाय जो कम्युनिटी बनती है, जो समूह बनता है, एक ही धर्म से बनता है। आप कोई भी धर्म माने, किसी जो भी धर्म मानते हैं उसमें एक कम्युनिटी बन जाती है ना। जैसे आप एक अच्छे कोई काम कर रहे हो, उसमें कई लोग उसी काम को कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका एक कम्युनिटी में समूह बना कि नहीं, है ना। इसी प्रकार दुर्गेन के अनुसार धर्म एक सामाजिक घटना या तथ्य है। दुर्गेन कह रहे हैं कि दुर्गेन के अनुसार धर्म एक सामाजिक घटना या तथ्य है, ठीक है। ये कोई घटना है या फिर तथ्य है, कोई एक कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसकी उत्पत्ति का स्रोत समाज ही है। वही समाज में ही लोग रहकर अपना अपना धर्म बनाए, जिसको जो अच्छा लगा उसी प्रकार का धर्म बनाए, ठीक है ना। ईश्वर समाज का मानवीकरण है और समाज स्वयं ईश्वर, ईश्वर जो है समाज का मानवीकरण है। समाज ने ईश्वर को बनाया या फिर ईश्वर ने समाज को बनाया, एक ही बात है, ठीक ना। उसके नियम ही धार्मिक नियम है, और जो समाज ने नियम बनाया या फिर ईश्वर ने नियम बनाया वही धार्मिक नियम है। और धर्म का मुख्य कार्य समूह और समाज में एकता और अनुशासन बनाए रखना है। कोई भी धर्म हो, अगर आप कोई भी धर्म मानते हैं उसी के अनुसार आपकी आप में एकता होगी, आप उसी के अनुशासन करेंगे, उसी का पालन करेंगे, जिससे सामाजिक जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। तभी तो जीवन सुचारू रूप से चलता है ना। कोई भी धर्म मानिए, लेकिन अगर आप उसमें विश्वास मानते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आपका जीवन सुचारू रूप से चलेगा, एकदम अच्छे से चलेगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। तो ठीक है, अगले प्रश्न के लिए अगला वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना यार, मेहनत करता हूँ, ठीक है ना, तुम्हारे लिए। तो ठीक है बच्चों, बाय। और जाते जाते सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। धन्यवाद।